राम खिलावन मौर्या है। अच्छा दादा, किसकी तरफ इस बार? हमारा तो योगी और मोदी। देखिए क्या क्या मिलता है बताएं आपको। किसान निधि नंबर एक, वृद्धावस्था पेंशन नंबर दो, और कृषि यंत्रों पर छूट नंबर तीन। आज तक किसी सरकार ने 70 साल में दिया हो तो बताओ। और जितनी है वृद्धावस्था पेंशन तो मिलती है और विधवाओं को पेंशन मिलती है सबको। तो इस तरह से मोदी और योगी हमारे लिए बहुत सही हैं। पेट्रोल चाहे 200 रुपए लीटर हो जाए मैं लूंगा। जब 80,000-90,000 की मोटरसाइकिल ले सकता हूं तो क्या पेट्रोल 100 रुपए में नहीं ले सकता? लूंगा। दादा काम क्या करते हो ये बताओ? काम एग्रीकल्चर, ये देखो दुकान लगी है यहीं पर। हाँ अच्छा, खेती करता हूँ। 2.5 बीघे मात्र जमीन है। मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ सुनिए, सोलर लगा हुआ है। आइए रहमत नगर कभी स्वागत है। और सोलर से बिजली ट्यूबवेल चलता है। बताओ हाँ। मौर्य समाज के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य बात सुनो पहले। वो ये कहते हैं, सुनिए पहले बात सुनिए, वो छोड़े भारतीय जनता पार्टी और चले गए समाजवादी में और कह रहे हैं कि हमारे समाज की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं सुनती है। तो आपके समाज की बात सुनती है कि नहीं सुनती? सुनिए, हमारी सुनती है। वो चाहते थे अपने लड़के को टिकट, बिटिया उनकी है और स्वयं हमारे परिवार। तुम क्यों ला रहे हो स्वामी प्रसाद मौर्य दल बदलू? मौके पर तुम भाग गए। जीत जाते तब भागते, जीत जाते तब भाग के जाते। तुम चाहते हो अवसरवादी हो, पहले ये बसपा में थे फिर सपा में घुस गए, नहीं बीजेपी में आए, अब सपा में घुस गए, इसके बाद कांग्रेस में जाएंगे, इसके बाद अपने घर में बैठेंगे। कोई इनको दल बदलू को कोई पूछेगा नहीं, समझे आप? तो साहिब सर मोरे दल बदलू है? अरे वो तो है ही है, 100% दल बदलू है। अच्छा ये बताओ, अर्पणा यादव भाजपा में आ गई है? अर्पणा यादव जब उसके साथ उस परिवार में विश्वासघात हुआ तो वो क्यों नहीं आएगी? वो तो आएगी। अरे भाई अखिलेश यादव और उसकी बहू जो है डिंपल यादव, अखिलेश चाहते हैं मुसलमान बाउंड्री बनवाए। बोलो ना, रखा कह रहे हो? अखिलेश मुसलमान बाउंड्री बनवाए, नमाज पढ़ी, रोजा खोले और का किया है? हिंदू लिए कुछ किया है? अच्छा, अयोध्या गोली चलवाए और का के हिंदू लिए? अब बीजेपी वाले सब कुछ किया है।